पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक रामपुर रोड स्थित लवीना रेस्टोरेंट में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने की और संचालन फहीम अनवर कुरैशी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बरेली के दर्शन लाल रहे। बैठक में व्यापार को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की गयी। 7 युवा व्यापारियों को सम्मानित किया गया और बैठक में युवाओं से भी अपने विचार रखने की बात कही, क्योंकि युवा की सोच से ही देश का बदलाव होगा। सभी व्यापारियों ने भी अपने विचार को रखा और व्यापार की उन्नति की कामना की। बैठक को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष हरीश भासीन, अजय अग्रवाल, सुप्रीत खन्ना, रवि अग्रवाल, विपिन गुप्ता, विपुल गुप्ता, शैलेंद्र शर्मा आदि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए कार्यक्रम है? चुनाव का संबंध माना जाए या आपके व्यापारियों की समस्याओं को लेकर माना जाए? व्यापारियों की समस्याएं तो हमेशा रहती है, उनका समाधान भी हम अपने आंदोलन के द्वारा मांगते हैं। अभी आपने GST का जिक्र किया, व्यापारी समाज ने या हमारे व्यापार मंडल ने कभी भी GST का विरोध नहीं करा। GST एक सबसे बढ़िया टैक्स रिफॉर्म्स का, जिसका हमारे उद्योग व्यापार मंडल ने स्वागत किया था, लेकिन इसमें विसंगतियां थी, तो हमने ये मांग किया कि उसमें विसंगतियां दूर होनी चाहिए। तो हमें इस बात की प्रसन्नता है और हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि जो तो काउंसिल की मीटिंग होती है, जो हमारे मांगे होती हैं वो लगभग पूर्ण होती जा रही हैं। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व जो श्याम बिहारी मिश्र जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, उसी का फल है कि 32वीं काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी हमें काफ़ी लाभ मिला कि जो सीमा बढ़ा दी गई, जो 50 लाख थी उसे 1.5 करोड़ में कर दिया। अब तक जो हुआ वो मीडिया में सब कुछ आ चुका, अब आगे किस तरह से आप मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो हमारा कई मांगे हैं, जैसा भाई अजय जी ने कहा कि व्यापारियों को गिरफ्तारी की मांग है, जब पेंशन की बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप श्रमिक को पेंशन देते हैं जिसकी 15,000 से कम की इनकम है, आप किसान को दे रहे हैं, तो व्यापारी जो सरकार के चलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है इनकम टैक्स के द्वारा, सेल टैक्स के द्वारा, और बैंकों में जो हमारी FD रहती हैं उससे सरकारी नीतियाँ हमेशा प्रभावित रही हैं। जितना पैसा हम बैंकों में जमा करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना हो या स्टार्टअप योजना हो, अगर व्यापारियों का पैसा बैंकों में नहीं होगा तो ये योजना असफल हो जाएंगी। इसलिए व्यापारियों की पेंशन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर अवश्य